देखें गाइस, वो कैटो है, हम इसके पास दाना फेंकते हैं। इस तरफ डक रखी हुई है इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल रोड साइड रोडी पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो वेलकम हो गया सबका मेरे चैनल। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक। हम तकरीबन 2 बजे काम से आ गए थे, तो अभी अच्छा बज चुके हैं 3। भाई कह रहे हैं एक छोटा सा काउंटर छोड़ने जाना है हमने, थोड़ा सा दूर, वो पहले छोड़ते हैं फिर हम जाएंगे राकीम मंडी के अंदर। हाँ जी, उधर जाके पिजन वगैरह देखेंगे, पैरट्स देखेंगे और मुर्गाबियाँ वगैरह देखेंगे क्या क्या आया उधर। अच्छा, तो जो लोग चैनल पर ना, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अभी भाई नीचे इंतज़ार कर रहे हैं तो मामू को लेके, तो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी गाड़ी आ चुकी है तो फिर चलते हैं। हाय हाय हाय, चलो बाबा जी चलिए। गाइस, तो अभी हम इधर खड़े हुए हैं, वो सामने देख सकते हैं आप, पुलिस खड़ी हुई है। ये बिल्कुल साथ हमारे मंडी है, लेकिन वो उधर पुलिस खड़ी है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास ना वीज़ा नहीं है ना इधर का काम है, जिसे कामा कहते हैं, वो भी एक वीज़ा ही होता है, वो भी नहीं है हमारे पास। तो भाई थोड़ा सा नजदीक करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और ये सारी वो पिछली वाली साइड पे मंडी है। गाइस, तो अभी मंडी तो हम जा नहीं सके, लेकिन हम इधर शॉप पे आ चुके, शॉप घूमते हैं इधर। ये भी देखे पिजन ही पिजन है, मामू चेक कर रहे हैं पिजन इधर से, देखते हैं इनको कौन सा पसंद आता है। ये बाहर भी पिजन ही है, साथ पैरट्स लगे हुए हैं। ये देखें कितने कितने प्यारे पिजन हैं। और ये देखें जान, तो हम आपको एक चीज़ दिखाने लगे हैं, जो कबूतरबाज है ना वो हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये देखें खास उनके लिए, ये ऊपर देखे पिजन है, एक पिंजरा है, ये इसके अंदर पिजन है और इसके अंदर ही वो देखे बिल्ली रखी हुई है। ये देखिए, अभी अंदर जा के आपको दिखाते हैं, ये अंदर हम जाने लगे हैं। ये देखिए, वो देखिए, ये देखिए साथ कबूतर बैठा हुआ है और साथ ये देखिए कैटो है। यार क्या ये, नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखें भाईजान, देखें जरा, ये देखिए ये कैटो है और साथ इसके पिजन बैठा हुआ है, ये सारे पिजन है कबूतर बाद। बताओ फिर मजा आया? ये देखें देखें गाइस, वो कैटो है, हम इसके पास दाना फेंकते हैं। ए, वो देखे दाना फेंके, वो देखे कुछ भी नहीं कह रही यार बिल्ली, चेक करें यार कितना यार अजूबे है ये एक यार। वो देखे जो पिजन है उससे डर भी नहीं रहे, वो देखे अंदर ही बिल्कुल। यार क्या सीन है कसम से। हाय हाय, चले फिर अभी चलते हैं हम, बाय बाय। अभी हम दूसरी दुकान पर जाने लगे हैं, दूसरी दुकान पे जाके फिर उधर से चेक करते हैं पिजन। इधर तो हमें पिजन पसंद नहीं आया, लेकिन दाना वगैरह जो है हमने ले लिया है, तो अभी चलते हैं फिर। अच्छा ठीक है, तो अभी दूसरी दुकान पे हम आ चुके हैं। ये देखें यार कितनी प्यारी मुर्गी है, ये देखें इस तरह, ओए होए देखें कितनी प्यारी मुर्गी है यार, माशाल्लाह वाज वा सुभान अल्लाह। चेक करें फुल बॉल है इसके पूरे जिस्म के ऊपर, आंखें भी नहीं इसकी नजर आ रही। अभी चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें अंदर रखी हुई हैं। इस तरह भी पिजन वगैरह रखे हुए हैं। ये देखें छोटी छोटी चीजें, क्या इसको कहते हैं, मुझे याद नाम भूल गया। ये सारे पैरट्स वगैरह भी अंदर रखे हुए हैं। ये ऊपर भी आपको दिखाते हैं, ये शोरा कभी भी इधर भी पिजन वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने सारे। इस तरफ डक रखी हुई है इन्होंने,
ये भी जोड़ा है, ए हाथ लगाते हैं इसको, ए आ जा, ए ये देखे बिल्कुल छोटी छोटी, इतनी इतनी है, ये देखे जावा, हाँ इसका नाम याद आ गया, इसको कहते हैं जावा, जावा नाम ही भूल गया था यार इसका। ये देखिए इस तरफ लव बर्ड्स रखे हुए हैं, ये इस तरफ भी, ये देखिए बुलबुल, बुलबुल इसको कहते हैं बुलबुल, जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं बुलबुल को। इस तरफ भी ये लव बर्ड है, एक और एक जो है ग्रीन नेक का पीस है, एक छोटा सा बच्चा है। अभी मामू को कोई पसंद आ गया पिजन, तो ये देखिए मामू दिखा रहे हैं, हाँ जी पसंद आ गया, आ गया जी, चलो ले आओ इन, पूछिए कितने रुपए का, 2 रुपए का गाइस। ये एक पिजन हमने खरीद लिया क्योंकि हमारे पास जो एक कबूतरी थी उसका जो कबूतर था वो नहीं है, इधर से मामू ने आज उस कबूतरी का जो है ना जोड़ा पूरा कर दिया आज, तो वो हमने पैसे भी दे दिए हैं। तो अभी बस जाने लगे हैं भाई, उधर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं फिर गाड़ी के अंदर बैठ के घर, फिर कटिंग करवाने दोबारा आते हैं फिर। जी गाइस तो अभी चलते हैं फिर घर। तो दुकान उधर से आके मैं सो गया था, तो मामू ने अभी आधा घंटा भी नहीं था हुआ मुझे सोए को, तो मामू ने दोबारा उठा दिया, तो कह रहे थे खाने के लिए कुछ ले आओ, तो अभी हम उधर ही जाने लगे हैं खाने के लिए कुछ लेने चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं आज खाने में। गाइस तो अभी हम पहुँच चुके हैं दुकान पर, इधर से मुर्गी वगैरह मामू कह रहे थे बिरयानी बनानी है, तो इधर से मुर्गी वगैरह जो है हमने खरीदनी है, और साथ उधर से थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी वो लेती हैं। मुर्गी हमारे जो है इस तरफ बन रही है सारी, ये भाई हमारी मुर्गी बनाने लगे हैं, तो इधर से उतनी देर जो हमने सब्ज़ी वगैरह लेनी है वो लेते हैं। इस तो मुर्गी वगैरह अभी जो है वो ले ली है हमने, तो अभी जो बकाया दूसरा सामान है वो उधर जाके किराना स्टोर से बकाया सामान मिल जाएगा, तो अभी चलते हैं उधर से चावल वगैरह लेने और घी वगैरह लेना है, तो उधर से जाके ले के तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं और जाके रेस्ट मारते हैं। गाइस तो अभी हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, तो भाई जान आए जरा हमें चोल दे, चोल दे और चोल दे चावल दे और साथ घी भी दे, इधर आओ, हेलो इधर आओ, चावल दे यार और साथ घी भी दो, बिरयानी मसाला भी दे, हाँ हाँ चावल चावल मिल गए हैं और घी भी दे, हाँ पकड़ा दे, इधर से बिरयानी मसाला, हाँ मिल गया। गाइस तो अभी हम सारा सामान लेके आ चुके हैं घर, तो अभी करते हैं मामू का इंतज़ार, जब मामू आएंगे तो सारा सिस्टम जो है वो रेडी करेंगे, तो तब तक करते हैं इंतज़ार, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। 2 hours later जी गाइस तो अभी उधर से सारा सामान वगैरह ला के फिर मैं सो गया था, तो मामू आ गए थे और इन्होंने ना बिरयानी तैयार कर दी थी, तो मैंने अभी थोड़ी सी खा ली है, भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बकाया अभी सोने का टाइम हो चुका है, रात आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो चुकी है, सुबह काम पे भी जाना है उठ के फिर, तो इधर मैं करने लगा हूँ व्लॉग का एंड, तो उम्मीद है आपको इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।